लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार एंड वेलकम टू फूल गांव। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और आज यहाँ दौरे पर आने वाले हमारे मुख्यमंत्री मिस्टर बलराज चौहान और इसे क्यू टीवी की तरफ से कवर करेगी वन एंड ओनली आपकी फेवरेट ऊ ला ला यू कैन स्टिल लैला। सो फॉलो मी। वेलकम सर। नमस्कार मंत्री साहब। प्रणाम सर। आइए मंत्री जी। नमस्कार। सर मत झुकाइए, ये आपके लिए नहीं है, आंबेडकर की मूर्ति के लिए। कैसे चीफ सेक्रेटरी हो तुम, पहले बताना था ना, इडियट। काहे का सीएम है, काला अक्षर भैंस बराबर पूरा प्रोग्राम टाइप करके दिया था। साहब साहब मंत्री जी फोकट में धोती बांट रहे क्या? अबे धोती बांटना तो दूर, ये जो पहनी है वो कहीं निकाल ना ले। चल जा चल। छोड़ दो इसे, जाने दो जाने दो। इधर आओ। हम तो धन्य हो गए साहब, बस आपसे हाथ मिलाना चाहता है साहब। गाड़ी चलाओ साहब, सुबह से आपके लिए यहाँ खड़ा है साहब, एक बार हाथ मिला रहा हूँ साहब, मेरे को आपसे हाथ मिला है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी जरा कैमरा सामान। अब तो गांव में पानी बराबर आ रहा है ना? जब से आप सीएम बने पानी ही पानी है चारों तरफ। ये स्ट्रीट लाइटें कब लगवाई गई? ये लाइट सर साल भर हो गया सर। झूठ बोलता है। कौन बोला? कौन बोला? हम बोले। बेटी ये लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया है, बस बिजली भी नहीं अब तक दी है। ये लोग सब आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। ए लड़की जबान बंद कर अपनी। हा? कुछ मालूम नहीं और सीएम साहब के सामने भागे जा रही तू? ए शोर मत मचाओ, शांत रहो शांत रहो। क्या करते हो तुम लोग? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन तुम्हारे इलाके से है, चार चार एई हैं, 40 जेई हैं, सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं, फिर क्या झक मार रहे हो तुम लोग? सर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गलती नहीं है, वो ठेकेदार है ना उसने। मुझे कुछ नहीं सुनना है, इन लोगों ने मुझे वोटें दी हैं और मैंने इनको वादा किया था कि सड़कों पर लाइटें जलेंगी, तो फिर क्यों नहीं जल रही है? दादा लोगों ने वोट दिए हैं लेकिन यहाँ के ठेकेदार वली साहब ने नोट दिए हैं, 40 पेटी भेजी थी इलेक्शन के टाइम पे, सारी की सारी बिजली उनकी शुगर मिल में जाती है और माइनॉरिटी के 5,000 वोट है उनके पास। ठीक है ठीक है, मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। हटो देखने दो। कौन बोला? किसको बोला? कितने गाली दिया? कितने बोला? बदतमीज। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। ये तुम्हारे लिए है सच बोलने का इनाम। आज तू बाल बाल बच गया यार। ए छोरी तुझे क्या जरूरत थी बकबक करने की? हम क्या पागल है? चुप खड़े थे। घर में जो बिजली आ रही है ना वो भी कट जाएगी, अगर बिजली कटी ना तो हम तेरी जबान काट लेंगे, एक दिन मार खाएगी तू, हम तुझे गांव से निकाल देंगे। ये सच बोलने वाली। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने? सच बोलना कोई गुनाह है क्या? क्यों रे बापू, बिजली आई क्या अभी तक? नहीं दीदी। यही तो मैं भी कह रही हूँ, सब लोग मुझे काम का डांट रहे हैं। अरे यार सीएम का सर्कस निकले जा रहा है, तू क्या लड़की पे लाइन मार रहा है? चल पहन कर। हाँ।
मेरा कोई गुनाह है क्या? अरे हम लोग फूलगांव किस खुशी में जा रहे हैं? एक फूल से मिलने। ए, फिर तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन उस फूल से सिर्फ मैं मिलूंगा। तो फिर मैं क्यों जा रहा हूँ? लोगों के जूते खाने। जावे छक्के। कौन है? किसने ताली बजाई? मैंने, पुतले ने। ए पुतले, तू कब से बोलने लगा? जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसी से बात करता हूँ। वहीं से बात करो। कौन हो तुम? नाम शिवाजी रावल भीमराव। पढ़ाई डिप्लोमा इन विजुअल कम्युनिकेशन। पेशा क्यू टीवी कैमरामैन। उम्र एक दिन। कल ही मेरा नया जन्म हुआ तुम्हें देखने के बाद। मेरी पसंद वो लड़की जिसने बिना डरे सीएम से सच बात बोल दी। मेरी नापसंद वो ट्रैक्टर जो बीच में आ रहा और डिस्टर्ब कर रहा है। पसंदीदा गांव 1 जून से फूल गांव। मैंने पाया है अपने कैमरे में तुम्हारी तस्वीर। मैंने खोया है अपना दिल। मैंने जाना है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। मुझे जानना है तुम्हारा नाम। हम पुतलों उतलों का अपना नाम नहीं बताते। हाँ तो मुझे बता दो प्लीज। अरे सुनो तो। ए पुतले, तुमने मेरी फोटो खींची थी क्या? हाँ क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। अरे रुको रुको ना। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम कभी फिर सो जाएं। ये सिग्नल है, बस स्टॉप नहीं है, चल उतर नीचे। बस भी तेरे बाप की नहीं है, स्टॉपर क्यों नहीं रोका? मेरा मर्जी नहीं रोका, तू उतरता है कि नहीं तो दूंगा साले तेरे को। 2 बजे का हमारा एग्जाम है, ये बस छूट जाती तो हमें एग्जाम लिखने को नहीं मिलता, इसलिए चढ़ा। एक तो बस नहीं रोका, ऊपर से शकबटी करता है। उतरता है कि नहीं? नहीं उतरूंगा तेरी तो। चल उतर नीचे। क्या हंगामा हो रहा है इधर? हमारे स्टूडेंट दोस्त को किसी ने मारा है, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखते नहीं पूरा ट्रैफिक जाम है, बस हटाओ यहाँ से। जानते हो मैं कौन हूँ? ड्राइवर, रूलिंग पार्टी का ड्राइवर हूँ, मालूम? तो क्या हुआ? जल्दी जाके कैमरा ला। तुम पहले स्टूडेंट लोगों को अरेस्ट करो, फिर बस आटेगी। ये ड्राइवर ने हमारा स्टूडेंट पे हाथ उठाया है, जब तक ये हमसे माफी नहीं मांगता हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। पहले बस को साइड में लगाओ, ट्रैफिक क्लियर होने दो, फिर बात करेंगे। बस नहीं हटेगी। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। हेलो कंट्रोल रूम, होटल के पास बस ड्राइवर ने चक्का जाम कर दिया। हम वो कह रहे कि स्टूडेंट्स लोगों ने उनको मारा। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बस ड्राइवर ने उनको मारा। कोई किसी की नहीं सुन रहा है और मैं इडियट करता रखा हूँ। सब लोग मारा मारी कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को फौरन स्पॉट पर आने को बोलिए, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे रूलिंग पार्टी खिसक रही है, फॉलो कर। हेलो अध्यक्ष महोदय। हाँ साहब, सकाराम शेलके को स्टूडेंट लोगों ने ड्यूटी पर बहुत मारा। उसके सर से खून म्युनिसिपैलिटी की नल की तरह बह रहा है। बात यूनियन पर आ गई है, अभी के अभी हर जिले के ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात करिए और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए।